लास्ट ईयर हमने नवरात्रि कितनी धूमधाम से मनाई थी, और गाइस को भी बताना पड़ेगा कि हमने उसमें कितना एंजॉय किया था। पड़ेगा कि हम इस साल की नवरात्रि कैसे मनाएंगे। पहले मैं बोलूं? नहीं, मैं छोड़ी हूँ, मैं बोलूंगी। नहीं, मैं बताती हूँ गाइस, हम करने वाले हैं लास्ट ईयर नवरात्रि। हम करने वाले हैं दिस ईयर नवरात्रि। तो वही सोच रही थी, मैं सोच रही हूँ। हाँ तो बता दे। हाँ। तो गाइस हम करने वाले हैं नवरात्रि देन वर्सेस नाउ। सो गाइस, किसने इस टॉपिक के लिए सोचा था, जो हमने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आपको इसके लिए सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपने सोचा होगा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें बहुत मजा आएगा वो पढ़ने के लिए। एंड गाइस, आप इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी मजा मस्ती की और बहुत एंजॉय किया इसे बनाते हुए। तो आपको भी इसे देखते हुए बहुत मजा आने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वरा जल्दी आ, नहीं तो मंदिर में भीड़ लग जाती है, माता रानी को पानी भी तो चढ़ाना है। हाँ, आई आई आई। नमस्ते आंटी, शुभ नवरात्रि। नमस्ते बेटा, कल कन्या पूजन को आ जाना बेटा। हाँ आंटी। हाँ। नमस्ते अंकल, शुभ नवरात्रि। शुभ नवरात्रि। हाय चिंटू, शुभ नवरात्रि। हम लोग मंदिर जा रहे थे माता रानी को पानी चढ़ाने, तू भी आ। चल 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 चल। आज से तो नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। तो क्या करूं? आइडिया, सबको विश कर देती। तो चलो, फैमिली ग्रुप में डाला मैसेज, हैप्पी नवरात्रि। ये फ्रेंड्स के ग्रुप में डाला मैसेज, हैप्पी नवरात्रि। हो गया। एंड अभी फेसबुक पे पिक्चर, हैप्पी नवरात्रि, हैशटैग वेरी एक्साइटेड, हैशटैग वेरी। चल सर, आप वो वाली दुकान पे जाते हो, वहां पे अच्छे अच्छे चनिया चोली दिख रही है। हाँ। और उसके बाद ज्वेलरी शॉपिंग करेंगे। चलो चलो चलो। भैया जी वो वाला दिखाइए। स्वरा वो वाला अच्छा है ना, वो वाला देखते हैं। वो दिखाइए। ये देखिए मैडम जी, ये वाला, ये कितना सुंदर कलर है इसका, कलर इसकी चुनरी देखिए कितनी सुंदर है। ये देखिए ये कितना सुंदर बना हुआ है, आहा। और इसका ये तो देखिए एकदम, ये देखिए। नहीं भैया, ये कलर का तो है मेरे पास। अच्छा ये है, रुकिए आपको दूसरा दिखाती हूँ। हाँ ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये कितना सुंदर है। इसकी चुनरी देखिए, देखिए कितनी सुंदर चुनरी। अब ये देखिए, ये देखिए, ये कितना सुंदर है।
ये हरा कलर तो देखिए कितना सुंदर है, आप पे बहुत अच्छा जचेगा। नहीं भैया मुझे नहीं है पसंद आया। अच्छा ये नहीं कुछ पसंद आया, ठीक है कुछ और दिखाते हैं। ये वाला देखिए ये कितना सुंदर है, इसकी चुनरी इस पे कितना अच्छा डिजाइन बना हुआ है, देखिए देखिए छुके देखिए। हाँ अच्छा है बहुत। अच्छा लगा? ये पैक करा दूं? हाँ करा दो। मैडम जी आपको कौन सा चाहिए? और स्वरा मुझे तो सारे पसंद आए, अब तू ही बता मैं कौन सा लूं। दीदी आपसे ये देखो ये वाला बहुत सुंदर है, ये आप देखो तो सही, ये देखो इसका कलर आहा देखो। चलेगा दीदी आप यही लो। तो भैया जी हाँ ये वाला बहुत सुंदर है, भैया जी आप ये दोनों पीसेस पैक कर दीजिए। पैक कर दूँ? ओके ठीक है, छोटू जरा ये पैक कर दे और ये वाला भी पैक कर दे। भैया जी फीस कितना हुआ? पैसे इन दोनों के मिला के इसके हो गए 2000 और इसके हो गए 2500, तो हो गए पूरे मिला के 4500 रुपए। दीदी चलो वहां पे जाते हैं, कितनी मस्त ज्वेलरी की दुकान है। वहां की ज्वेलरी बहुत अच्छी है, मैं ज्वेलरी लूंगी तो उसी दुकान से लूंगी। चलो 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 आइए आइए बहन जी, आपको कौन सा ज्वेलरी लेना है? रुको सबसे पहले चूज करने से पहले मैं आपको सब दिखा देता हूँ। ये देखो ये सब माला है, हार, ये कमर पट्टा है। वाह वो कमर पट्टा कितना अच्छा है, है ना दी, है ना स्वरा? हाँ ये है बाजू बंद, ये है बिंदी, कितनी सुंदर है। ये है, ये है झुमके, ये है क्लिप, ये है अंगूठी और ये है नथ। वाह सब कुछ सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लेके जाऊंगा। तो चलो स्वरा डिसाइड करते हैं कौन सा लेना है। भैया जी ये हमारी ये है चन्ना चोली, ये मेरी है और वो मेरी बहन इसकी है स्वरा की। तो अभी आपको स्वरा अभी हम बताएंगे कि हमें कौन सी पसंद है और उस तरह हम लेंगे। भैया जी ये तीनों का सेट है ना? हाँ। अच्छा ठीक है स्वरा तुझे ये पसंद आई? तेरे इस पे देख कौन सा, यहाँ पे रखती हूँ। ओके तो इस पे तुझे ये पसंद आई? नहीं। ये नहीं। ये अच्छा लग रहा है देख, ग्रीन और रेड। हाँ चलेगा ये अच्छा है ना, ये ले सकते हैं। भैया जी मुझे ये चाहिए, स्वरा तुझे ये चाहिए? मिंटू इसको पैक करके देना। आ गए भैया जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। स्वरा चल, स्वरा आज की नवरात्रि शॉपिंग तो हो गई। ओ हेलो भैया नमस्ते, हम लोग शॉपिंग को आए हैं। अच्छा जी तो कैसा मास्क चाहिए आपको, कौन से कलर का दिखाऊं? भैया पहले आप नॉर्मल तो दिखाइए फिर हम बताते हैं। ये देखिए मैडम। नहीं भैया मुझे यूज एंड थ्रो नहीं चाहिए। फिर मैडम आपको कौन सा चाहिए? ये वाइट कलर देखिए। हाँ वाइट कलर ये अच्छा है, ये मुझे हाँ मंडे को लगेगा। ओके तो ये वाइट कलर ये ले लीजिए और मुझे एक येलो कलर दिखाइए।
मैडम जी ये देखिए ये येलो कलर। अच्छा ये येलो कलर है, ओके ये येलो कलर दे दीजिए। एक ऑरेंज दिखाइए जी। मैडम ये देखो ये ऑरेंज है और अगली साइड ग्रे है। हाँ ये अच्छा है, 2-in-1। हाँ ये दे दीजिए एक, ठीक है। और अभी मुझे मैडम ये देखो ब्लू है। अच्छा ये हाँ ऐसा भी एक मास्क चाहिए था, ये हाँ ये ब्लू वाला अच्छा है, ये ब्लू। और अभी मुझे एक ठीक है ऐसे ही और एक वाइट टाइप दिखाइए। ये देखिए मैडम, हाँ ये भी अच्छा है, ठीक है ये दे दीजिए। और अभी एक ब्लैक दिखा दीजिए, वो अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये हाँ ये कितना सुंदर है इसका मटेरियल, ये बहुत अच्छा है। मैडम हमारे पास और एक है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक फुल चेहरे का है। ये नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इतने दे दीजिए, ये एक 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 दीजिए। आपके पास लाल कलर नहीं है क्या? नहीं मैडम, वो बस थोड़ी देर में आने वाला है। ठीक है जब आ जाएगा ना तो मेरे घर पे पार्सल भिजवा दीजिए, चलेगा? ओके मैडम। तो इतने का बिल बना दीजिए और पैक करके दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। ओके मैडम। तो स्वरा हो गई मास्क शॉपिंग, इस ईयर की शॉपिंग हो गई नवरात्रि की। हाँ चलो घर जाते हैं। आओ बच्चों आओ। हाँ जी आ गए, बराबर टाइम पे आए हो। आओ दोनों बैठ जाओ, तुम्हारे सब दोस्त भी है, चिंकी पिंकी मीनू सब लोग बैठे, तुम लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। हेलो अच्छे से खाना, कुछ चाहिए तो मांग लेना, शर्माना मत। ओके हाँ आंटी अच्छे से खा लेंगे। हाय चिंकी तू कभी आई यहाँ पे? अच्छा 10 मिनट हो गए। और तू? अच्छा 20 मिनट हो गए। पिंकी तो कितने बजे आई? 5 बजे। इसके बाद हमें पुष्पा आंटी के घर जाना है, साथ में जाएंगे। उसके बाद दीपा आंटी एंड उसके बाद वहाँ पे निशा आंटी के घर जाना है, और फिर ग्राउंड फ्लोर पे जो नेहा आंटी रहती है ना उन्होंने भी बुलाया है। और उसको बहुत गिफ्ट मिलने वाले हैं, और जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। हाँ आंटी हो गया हमारा, अभी हम लोग निकलते हैं। तो ऐसा कर जाओ बिट्टू बिट्टू, रुको रुको बैठ जाओ वहाँ पे, ये लो इसमें से जो पसंद है वो ले लो, और दीदी के लिए भी एक ले लो। शुभ नवरात्रि बेटा। शुभ नवरात्रि आंटी। और दीदी नहीं आई आपकी? नहीं आंटी, उसका ऑनलाइन लेक्चर चालू है। अच्छा ठीक है। अरे 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 ठीक है बेटा, मैं अभी आपको ही बता देती हूँ, आपको दीदी को बता देना। हाँ आंटी। तो इस बार कन्या पूजन नहीं हो पाया ना, इसीलिए मैं ऑनलाइन कन्या पूजन रखने वाली हूँ, तो इस पे मैं आपको गिफ्ट्स भेजूंगी एंड मैं तुम्हें खाना भी भेजूंगी, जो हम छोला पूरी और हलवा खाते थे याद है ना? हाँ। तो उसकी जगह मैं लेज चिप्स केक ऐसा कुछ भेजूंगी, तो ये दीदी को बता देना। और मैं आपको कुछ गिफ्ट्स भी भेजूंगी जो तुम्हें पसंद आएंगे, ठीक है? हाँ। तो ऐसे ही मैंने तुम्हारे ऑनलाइन पैर पढ़ लिए, तो मुझे आशीर्वाद दे दो। हाँ आशीर्वाद ले लो। ठीक है दीदी को भी बोलना मुझे फोन करके आशीर्वाद देने के लिए। ओके
ओके ठीक है, पार्सल आ जाने पर मुझे फोन करना, ठीक है? ओके बाय बाय। स्वरा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। दीदी क्या जरूरत है तैयार होने की, इस कोरोना की वजह से कोई हमारे घर पर भी नहीं आ सकते और हम किसी के घर पर भी नहीं जा सकते और गरबा भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है भारत त्योहारों का देश है और ये त्योहार हमारे प्राचीन संस्कृति और के प्रतीक है और हमारी पहचान है। दीदी अभी भी तैयार होने का मन नहीं कर रहा। अच्छा वैसे क्या आपको लास्ट ईयर की नवरात्रि याद है? हाँ। उसमें क्या क्या किया था हमने? हमने बहुत सारे दिनों के लिए बहुत सारे लहंगे पहने थे, अलग अलग पकवान बनाए थे, दोस्तों के साथ गरबा खेले थे और इसी तरह इस साल के नवरात्रि नहीं मनाएंगे क्या? पर कैसे मनाएंगे नवरात्रि? कैसे मनाएंगे आप बताओ मुझे, कैसे मनाएंगे? इस साल की नवरात्रि पिछले साल से भी धूमधाम से मनाएंगे। पिछले साल की माता रानी की पूजा तो कितनी अच्छी थी, इस साल की पूजा क्या फीकी पड़ने देंगे? नहीं ना। नहीं। तो पिछले साल दोस्तों के साथ कितनी धूम मस्ती की थी, इस साल उन्हें छोड़ देंगे? नहीं ना। कितने एप्स है जो हमें अपने दोस्तों के नजदीक लेके आते हैं, तो वहां से हम नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं। इस साल माता रानी को क्या निराश कर देंगे? नहीं। तो इस साल की नवरात्रि भी उतने ही धूमधाम से बनेगी जितनी पिछले साल की बनी थी। इस साल भी वैसी पकवान बनेंगे जैसे पिछले साल बने थे। इस साल भी हम दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे जैसे पिछले साल की थी, पर थोड़ा दूर से, और सारे जो हमने बताया है, गवर्नमेंट ने जो बताया है कि नज़दीक नहीं जाना और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, वो सब करेंगे, पर मौज मस्ती तो उससे ज़्यादा करेंगे। प्यारी सी बहन अब तो आना चाहती हो ना? हाँ। तो अपने दोस्तों को भी कहना कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पिछले साल के जैसे इस साल की नवरात्रि भी धूमधाम से मनाएंगे। और मेरी प्यारी सी बहन तैयार हो गई। तो दोस्तों हम देखते हैं कि तो गाइस आपको क्या लगता है हम इस साल की नवरात्रि कैसे मनाएंगे? दीदी इतना सज धज के तो हो गया, अब नवरात्रि कैसे मनाएंगे? 5 मिनट।
कैसे? अब मैं बताती हूँ कैसे। ऐसे जूम, गूगल मीट, ऐसे सब एप्स किस लिए बने हैं? हम लोग कोरोना में भी अपने दोस्तों के साथ मिल सके एंड सबसे ज्यादा डांडिया खेल सके। ये लो, हाय, हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। लेट्स पुट ऑन सॉन्ग। सो फ्रेंड्स, चलो मैं गाना लगा रही हूँ एंड प्ले। So guys, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड या गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद आया। जरूर लिखना, मुझे कमेंट्स रीड करने में बहुत मजा आता है और उन्हें रिप्लाई देने में भी। तो प्लीज लिखना। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।